केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद रात को अचानक गायब हुए नंदी बाबा। कैमरे में कैद घटना देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ चार धामों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि केवल केदारनाथ जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि ऋषिकेश, केदारनाथ जैसे जगह पर कई बड़े बड़े तपस्वी साधु संत हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को हमेशा सही राह दिखाने की चेष्टा की है। आज की कहानी केदारनाथ में रहने वाले एक साधु की है जिन्होंने खुद महादेव को अनुभव किया है और एक महान तपस्वी बने। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है संत महाराज जयराम जी की। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। बहुत कम आयु में इन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि उन्हें अपने जीवन में महादेव की आराधना करनी है और इसी उद्देश्य के कारण वे केदारनाथ चले गए। संत महाराज जयराम जी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत पहले उन्होंने अपने जीवन के इस अनुभव को अपने समक्ष रखा था। यह कहानी उस वक्त की है जब जयराम जी नए नए केदारनाथ आए थे और अपने गुरु से उन्होंने यहाँ की दीक्षा ली थी। उन दिनों संत महाराज जी के अंदर काफी उत्सुकता रहती थी। जब व्यक्ति को कुछ नई चीज मिल जाती है तो वह खुशी से काफी उत्सुक हो जाता है, लेकिन वही जब पुरानी होने लगे तो वह बोझ भी लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार संत महाराज जी के लिए उन दिनों ध्यान करना, महादेव के विषय में जानकारियां लेना, अपनी शारीरिक शक्तियों को पहचानना काफी आनंदमय हुआ करता था। संत महाराज जी ने भी केदारनाथ के रहस्य के बारे में कई कहानियां सुनी थी और उस पर वे खुद एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनमें से केदारनाथ के रहस्यों के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करना उन्हें आनंदित करता था। दिन भर तपस्या में लीन महाराज जी अक्सर रात को टहलने के बहाने पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा करते थे। एक बार की बात है जब जयराम जी महाराज 9 बजे रात में अपने कक्ष से बाहर निकले और हमेशा की तरह पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल चलकर उन्होंने किया। जब वे केदारनाथ के आसपास के जगहों के चक्कर काट रहे थे तो उन्होंने देखा कि हूबहू केदारनाथ के मंदिर में स्थित नंदी बाबा जैसा एक बैल की कुटिया के बाहर खड़ा था और तेज तेज आवाज लगा रहा था। पहले तो यह दृश्य देखकर जयराम जी महाराज थोड़ा घबरा गए और उस बैल के समीप जाने से पीछे हटे, लेकिन जब बैल की आवाज शांत नहीं हुई तब उन्होंने सोचा कि थोड़ा समीप जाकर देखा जाए कि आखिर वहां ऐसा कौन है जिसके लिए यह बैल इतनी तेज चिल्ला रहा है। जैसे ही जयराम जी महाराज समीप गए तब तक वह बैल वहां से जा चुका था। अगले दिन सुबह जब महाराज जी केदारनाथ मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि नंदी बाबा को ठीक वैसा ही सजाया गया है जैसा वह बैल कल रात दिख रहा था। महाराज जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दो तीन दिन बाद फिर रात में जयराम जी महाराज घूमने के लिए बाहर निकले तो उनकी नजर मंदिर में स्थित नंदी बाबा पर गई और इस बार नंदी बाबा वहां पर नहीं थे। रात के 10 बजे नंदी बाबा को उठाकर कौन ले गया? मंदिर में ना कोई पुजारी और ना कोई सेवक। उनके मन की यह दुविधा आखिर मिटाए कौन? सोचते सोचते जयराम जी महाराज सैर पर निकल पड़े। इस बार भी उन्होंने नंदी बाबा जैसा हूबहू बैल देखा। आज भी वह बैल जोर जोर से अपने मालिक को चिल्ला रहा था। महाराज जी ने सोचा कि आज तो जाकर देखा जाए कि आखिर उस कुटिया में है कौन जिसके लिए यह बैल इतनी तेज चिल्ला रहा है। धीरे धीरे चुपके से जयराम जी महाराज कुटिया के पास पहुंचे। महाराज जी को आते देख बैल एकदम चुप हो गया। महाराज जी ने बैल के सिर पर अपना हाथ फेरा और कुटिया के अंदर चले गए। अंदर जाकर महाराज जी ने देखा एक साधु अपने ध्यान में लीन है। साधु का ध्यान भंग ना हो इसलिए महाराज जी चुपके से वहां से निकलने लगे। तभी साधु ने महाराज जी का नाम पुकारा और उसके बाद बैठने को कहा। जयराम जी महाराज ने साधु का आशीर्वाद लिया और वहीं बैठ गए। बातों ही बातों में साधु ने बताया कि वह पिछले 25 सालों से यहीं इस कुटिया में ध्यान कर रहे हैं। साधु ने महाराज जी को भी ध्यान और चंचल मन को शांत करने की कुछ तरकीबें बताई। साधु से मिलकर जयराम जी महाराज का मन तृप्त हो गया। उनसे आज्ञा लेकर वे अपने कक्ष में वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि फिर से वह बैल वहां से गायब हो गया है। पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा करने के कारण जयराम जी महाराज काफी थक चुके थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उन्हें बहुत अच्छी नींद आ गई। सपने में उन्होंने देखा कि जिस साधु से वह मिलकर आए हैं वही साधु नंदी बाबा के साथ खड़ा है और थोड़ी देर बाद वह साधु अपना भेष बदलकर शंकर जी यानी महादेव का रूप ले लेता है। यह देखकर जयराम जी महाराज अचानक उठे और उन्हें आभास हुआ कि हो ना हो नंदी बाबा का मंदिर से गायब हो जाना और उन्हें रोज साधु के कुटिया के बाहर नंदी बाबा का दिखना महादेव के होने का संकेत दे रहा है। हड़बड़ाकर जयराम जी महाराज भागते हुए उस कुटिया के पास पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कुटिया थी ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। उन्हें देखकर यकीन हो गया कि आज उन्होंने साक्षात महादेव और नंदी जी के दर्शन किए। वह वहीं बैठकर छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करने लगे और माफी मांगने लगे कि उन्होंने महादेव को पहचाना ही नहीं, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज इस घटना को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन जयराम जी महाराज की कहानी इस बात को प्रमाणित करती है कि यदि सच्चे दिल से किसी ने महादेव को अपना लिया तो महादेव सदैव उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।